Hey everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है निखिल एंड आज के इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं अबाउट चूजिंग द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यू. सो यार जो चीज सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि यार आखिर टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही क्यों. सो यार इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि अगर तुमने पहले से कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रखी होगी देन तुम्हें पता होगा कि टेस्ट किस टाइप से आने वाला है एंड क्या सब कुछ उसमें तुम्हें करना होगा. तुम उस टेस्ट से काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, जब एग्जाम आएगा तब पसीने नहीं छूट रहे होंगे. सो यार तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आखिर किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. सो यार हुआ क्या था कि 2018 के अंदर सबसे पहली बार जेई एडवांस्ड के अंदर डेसिमल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आए थे एंड ये जो क्वेश्चंस आए आज से पहले बहुत सारे लाइक 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कभी भी नहीं देखे थे. बट 1% जो बच्चे थे उन्होंने एक पर्टिकुलर कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज दिया था जिसकी वजह से कि फेमिलियर थे उनसे कि भाई उन्होंने उस टाइप के क्वेश्चंस पहले से देख रखे थे एंड उन्होंने उन क्वेश्चंस में कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म किया. सो यार यही चीज होती है कि यार अगर तुम किसी चीज से पहले से फेमिलियर हो देन तुम उस चीज के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो एक ऐसे बंदे से ज्यादा जो कि उस चीज से बिल्कुल ही अनफेमिलियर है. सो बिफोर मूविंग ऑन फर्दर इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आवर वीडियो स्पॉन्सर अनअकैडमी. अनअकैडमी तुम्हारे लिए लेकर आया यार अनसेट, विच इज द अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. ये जो टेस्ट है यार ये 40 सिटीज के अंदर ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाने वाला है. इस टेस्ट के अंदर तुम अगर नीट यूजी आईआईटी जेईई क्लास 9th या क्लास 10th इनमें से किसी भी गोल के अंदर आते हो देन तुम ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर तुम अभी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो देन ये जो टेस्ट है यार ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. इसीलिए इस टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करना एंड स्कॉलरशिप जितनी हो सके उतनी ज्यादा लेने की कोशिश करना, विच मीन्स कि यार ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना ताकि तुम्हारी स्कॉलरशिप जितनी ज्यादा तुम्हारे सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस उतने कम एंड तुम्हारी पढ़ाई उतने ही कम प्राइजेस में हो सकेगी. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. बिकॉज यार ये टेस्ट ऑफलाइन होने वाला है देन तुम्हें एग्जाम की पूरी फीलिंग आने वाली है कि एग्जाम कैसे होगा तुम्हारा जेई का या फिर नीट का. ये जो एग्जाम है यार ये 40 सिटीज के अंदर होने वाला है ऑल ओवर इंडिया एंड यार जो भी बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं उन्हें मिल सकती है अप टू 90% स्कॉलरशिप ऑन देयर अनअकैडमी कोर्सेज. इसी के साथ यार जो टॉप रैंकर्स होने वाले हैं उन्हें मिलने वाले हैं फ्री आईफोन्स एंड यार अगर तुम ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हो देन तुम्हें एक ऑल इंडिया रैंक मिलने वाली है अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस. एंड यार जो भी बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट करने सेंटर पर जाएंगे उन सबको एक फ्री अनअकैडमी टी शर्ट भी मिलने वाली है. सो लाइक फ्री की चीज है ये तो मत छोड़ना भाई. सो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराओ. द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 2 June 2022. एनरोल नाउ यूजिंग माई कोड NIKKP10 एंड गेट अ 10% ऑफ ऑन अनसेट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट. नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. अब मैं तुम्हें यार कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको कि तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है अगर तुम कभी भी आईआईटी जेईई या फिर नीट के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज खुद के लिए सिलेक्ट कर रहे हो. सो यार जो सबसे पहली चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि यार जो टेस्ट सीरीज है वो तुम्हारे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही होनी चाहिए. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम प्रेपरेशन कर रहे हो नीट की एंड तुम टेस्ट सीरीज ऐसे दे रहे हो जिसके अंदर की लाइक ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है. एंड यार मानो या ना मानो कुछ कोचिंग्स हैं जो ऐसा करती है, लाइक नीट के टेस्ट सीरीज के अंदर वो जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उन्होंने, वो नहीं काम आते हैं. सेकंड चीज यार जिसका कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि यार सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से किया होना चाहिए. यानी कि यार तुम्हें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने चाहिए, यूनिट वाइज टेस्ट मिलने चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट मिलने चाहिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके भी मॉक टेस्ट अगर तुम्हें मिलते हैं देन वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएगा. इस चीज को तुम्हें अच्छे से देखना है कि यार किस तरीके से उन्होंने सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया एंड कितने टेस्ट मिलने वाले हैं, किस किस सिलेबस के टेस्ट मिलने वाले हैं. पॉइंट नंबर 3 है यार अवेलेबिलिटी. नॉर्मली मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट सीरीज हो सके तो ऑनलाइन वाली ही परचेज करना, बट अगर कोई भी बच्चा किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज खरीद रहा है देन एक बार चेक तो कर ही लेना कि वो किस तरीके से तुम्हें भेजने वाले, लाइक सारी टेस्ट सीरीज एक साथ भेजने वाले हैं या फिर लाइक टाइम टू टाइम तुम्हें आने वाली है एंड ऑल पोस्टिंग जो वहां से पोस्ट के लिए भेजेंगे उसके पैसे तुम दे रहे होगे या फिर वो कोचिंग ही पे करेगी, वो सारी चीजें जरूर से चेक कर लेना वरना बाद में तुम्हारा खर्चा और ज्यादा हो सकता है. लाइक कहीं तुमने टेस्ट सीरीज 5,000 की खरीदी एंड उतना ही तुम्हारा लाइक बार बार एक एक टेस्ट को मंगवाने के लिए खर्चा हो गया तो वो चीज तुम नहीं चाहोगे आई गेस. फोर्थ पॉइंट जो यार वो उसी से रिलेटेड है जो कि मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में बताया था कि क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड ही होने चाहिए. बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. लाइक
अगर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है देन तुम वहां पर जाकर के क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, एंड अगर बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस तुम टेस्ट सीरीज में कर लोगे देन तुम टेस्ट सीरीज के अंदर वो सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारा थोड़ा सा मोरल लो हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें लगेगा कि यार 3 घंटे थे मैंने, यार ये 90 क्वेश्चंस करने थे मैंने ये किए ही नहीं, यार ये हुए ही नहीं मुझसे, देन वो चीज तुम्हें काफी ज्यादा खराब करने वाली है। 5th पॉइंट यार है फीडबैक। अगर मान लो तुम किसी ऐसी जगह रहते हो जहां पर कि और भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन तुम उनसे बातचीत करके देखो कि यार उन्होंने कौन सी टेस्ट सीरीज ली एंड उन्हें कैसी लगी है, एंड हो सके तो तुम अपने सीनियर्स से भी बात कर सकते हो, कुछ और भी बच्चों से बात कर सकते हो। अगर तुम ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज ले रहे हो देन तुम ऑनलाइन उसके रिव्यूज चेक कर सकते हो, लाइक खुद की उनकी वेबसाइट पे जो रिव्यूज होते हैं उन्हें कभी मत मानना, चाहे कुछ किसी भी कंपनी की हो, खुद की वेबसाइट के रिव्यूज कभी मत मानना, दूसरी जगहों पे चेक करना, थोड़ा सा रिसर्च करना, तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यूज मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 की यार फॉर्मेट ऑफ टेस्ट, यानी कि जो तुम्हारा टेस्ट का पैटर्न है एंड जो फॉर्मेट है वो तुम्हारा सेम होना चाहिए। लाइक अगर तुम जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो देन तुम्हारा टेस्ट ऑनलाइन होना ज्यादा बेटर रहेगा, अगर तुम नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो देन तुम्हारा टेस्ट ऑफलाइन पेपर बेस्ड होना ज्यादा बेटर रहने वाला है। एंड इसी तरीके से यार तुम अपने हिसाब से अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को चुनना। पॉइंट नंबर 7 की यार सॉल्यूशंस भी चेक करना कि यार तुम्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं किए गए, एंड अगर किए गए हैं देन वो क्या है, रिटन सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ आंसर कीज दी गई है या फिर वीडियो सॉल्यूशंस है। मोस्ट प्रेफर्ड यार वीडियो सॉल्यूशंस रहने वाले हैं, अगर वो नहीं है देन रिटन सॉल्यूशंस ओके हैं, अगर तुम्हें सिर्फ आंसर की मिल रही है देन नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज अगर सिर्फ आंसर की मिलेगी देन तुम्हें सिर्फ यही पता चलने वाला है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, ये नहीं पता चलने वाला कि तुम उसे सही कैसे कर सकते हो अगर वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है तो। पॉइंट नंबर 8 यार प्राइस। सो मैं तुम्हें यही चीज कहूंगा कि अगर तुम टेस्ट सीरीज ले रहे हो देन लाइक मिनिमम 3 ऑप्शंस तुम्हारे पास में होने चाहिए, लाइक कोचिंग ए, कोचिंग बी एंड कोचिंग सी, इन तीनों की टेस्ट सीरीज तुम्हें अच्छी लगी है एंड तुम उसके प्राइजेस कंपेयर करना एंड थोड़े रिव्यूज भी कंपेयर करना। हमेशा अगर तुम्हें किसी चीज को प्रेफर करना है देन वो क्वालिटी होनी चाहिए ओवर तुम्हारे पैसे। वो डिपेंड कर सकता है कि यार अगर तुम बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो टेस्ट सीरीज के अंदर देन तुम थोड़ा सा सस्ता वाला भी ले सकते हो, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है यार, काफी सस्ती टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी तुम्हें। 9th एंड द लास्ट पॉइंट किया टाइमिंग ऑफ टेस्ट। ये जो चीज है यार, ये अगर तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो देन कुछ कोचिंग्स का क्या होता है कि वो 9 o'clock, लाइक अगर तुम्हारा सुबह 9 बजे से लाइक 12 बजे तक जेई का एग्जाम होता है देन वो तुम्हें सुबह 9 बजे तुम अपने आप लाइक वो पेज जो है उस पे स्टार्ट कर सकते हो टेस्ट एंड 12 बजे वो टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा, एंड इस तरीके से तुम सेम उसी टाइम पर एग्जाम दे रहे हो जिस टाइम तुम्हारा जेई का एग्जाम होता है, एंड तुम उस टाइम के अंदर लाइक तुम्हारा जो बॉडी है उस चीज को प्रोसेस करेगा एंड तुम्हें थोड़ी आदत पड़ जाएगी उस टाइम पर उसी टाइप से लाइक एक साथ 3 घंटे तक लगातार बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड अगर तुम लाइक नीट के हो देन तुम पेपर बेस्ड लेना एंड जो भी तुम्हारा टाइमिंग होता है उसके हिसाब से यार एग्जाम को अटेम्प्ट करना। ये जो टाइमिंग वाला फैक्टर है यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लोग, बट अगर तुम इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो लाइक तुम्हारा जिस शिफ्ट के अंदर या जिस टाइम तुम्हारा एग्जाम होता है उसी टाइम अगर तुम मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो देन ये तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है तुम्हारे रियल एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं यार आखिर टेस्ट सीरीज किस बच्चे को ज्वाइन करनी चाहिए। तो यार लाइक 3 तरह के बच्चे मैं मानता हूँ। पहले जो सब कुछ लाइक खुद कर रहे हैं लाइक सेल्फ स्टडी फ्रॉम यूट्यूब या फिर किसी भी और फ्री सोर्सेज से। नंबर 2 वो बच्चे जो कि ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एंड नंबर 3 जो कि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। सो यार ये जो 2 बच्चे हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग वाले, इन्हें तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज की जरूरत है, बिकॉज उनकी कोचिंग जो है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो उन्हें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर ही देगी 100%। लाइक अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज ही नहीं प्रोवाइड करिए देन वो कोचिंग लाइक कुछ गड़बड़ है कोचिंग के अंदर। तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स हो रहे हैं लाइक तुम्हारे जो भी टेस्ट सीरीज तुम्हें कोचिंग वाले दे रहे हैं तुम अगर उसी को अच्छे से फॉलो कर लेते हो देन तुम गुड टू गो हो। रही बात यार सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की, देन या तुम्हें ही लाइक एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी किसी कोचिंग से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी। तो यार पेड के अंदर तो तुम्हें काफी सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मैं किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को अच्छा या बुरा नहीं कहने वाला हूँ पेड टेस्ट सीरीज के अंदर, बिकॉज यार वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी लेनी चाहिए एंड कौन सी नहीं। मैंने तुम्हें सारे फैक्टर्स बता दिए जिनका कि तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम टेस्ट सीरीज चुन रहे हो, एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ऐसी फ्री टेस्ट सीरीज या फिर फ्री एप्लीकेशन जहाँ पर कि तुम टेस्ट वगैरह दे सकते हो जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है तुम्हारे इस टेस्टिंग जर्नी के अंदर इम्प्रूव होने में। सो नंबर 1 जो है यार वो है NTA अभ्यास। तो NTA अभ्यास जो है वो NTA का ऑफिशियल ऐप है, इवन दो अभी NTA को हटा दिया गया है एंड JAB जो है वो हमारा JAE एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो तुम NTA अभ्यास के टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके अंदर तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट तो मिल जाएंगे लाइक मॉक टेस्ट एंड कुछ चैप्टर्स के यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी लॉन्च हो चुके हैं, देन तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है यार M-Vibe। M-Vibe की जो वेबसाइट है उस पर भी तुम्हें टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाती है
एंड इसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, बट अगर तुम फोन पे यूज करते हो देन ये शायद तुम्हारा उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना रहे इस वेबसाइट के साथ, बिकॉज ये तुम्हें फोन पर शायद हो सकता है कि काफी ज्यादा लोड ले। थर्ड ऑप्शन है वो है यार टेलीग्राम। सो टेलीग्राम के ऊपर यार तुम्हें जितनी भी कोचिंग्स है, जिनकी भी पेड टेस्ट सीरीज आती है, वो सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। एंड यार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी जेई 2024 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जिस भी चीज़ के अंदर हेल्प चाहिए मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊँ एंड जल्दी से जल्दी बनाऊँ। देन अगर तुम जेई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो देन तुम यार मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो कि तुम्हें और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि मैं और जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना पाऊँ। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो यार अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम्हारी जेई प्रेपरेशन रिलेटेड देन तुम मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर नेम तुम्हें यहाँ पर शो हो रहा है। सो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, बाय बाय।